हमारे मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, यहां पर पूर्व सांसद आदरणीय छोटे सिंह यादव जी, हाल में ही अपनी पार्टी में शामिल हो रहे और जिन्होंने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने का फैसला लिया है, पूर्व सांसद आदरणीय राम बख्श वर्मा जी, यहां के बहुत पुराने नेता, अब इनका भी सहयोग मिलेगा, हम इनको बधाई देते हैं। इनके तमाम सहयोगी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर नरेंद्र कुशवाहा जी, बहुजन समाज पार्टी के जिले के अध्यक्ष राम सिंह गौतम जी, पूर्व विधायक अरविंद यादव, समाजवादी नेता ताहिर, विधायक अनिल दोहरे जी, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे जी, अनिल पाल, आलोक वर्मा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना दरोगा जी, ममता कनौजिया जी, सर्वेश अंबेडकर जी, एमएलसी राजपाल कश्यप जी, नवाब सिंह यादव, प्रभारी केपी यादव जी, मनोज दीक्षित जी, पम्मी जैन साहब और जिन साथियों का हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, सभी हमारे समाजवादी साथी, समाजवादी नेता, बहुजन समाज पार्टी के नेता यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं यहां पर बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और पहला कार्यक्रम मैंने कन्नौज लोकसभा में रसूलाबाद में किया था। जिस तरीके से हमें लोगों में जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, रसूलाबाद में भी जोश और उत्साह था और छिवरा मऊ का जोश और उत्साह से ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी दो दिन मौसम खराब रहा, सुबह भी थोड़ा बहुत आंधी और तूफान पानी था, लेकिन अब मौसम साफ हो गया, अब कहीं कुछ तूफान दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो आने वाला तूफान है वो वोटों वाला तूफान आने जा रहा है, छिमरा मऊ से शुरू होगा। ये मान लें कि छिवरा मऊ विधानसभा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये हम भरोसा कर लें कि ना करें भरोसा, ये बताओ आप पर। पहले तो हम और आप अकेले थे, सपा साइकिल ही चला रही थी अकेले, अब बहुजन समाज पार्टी भी आपके साथ है, बताओ ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अभी तो विधानसभा अलग के अलग अलग लड़ गए थे, अब तो ताहिर भी आ गए और आदरणीय राम बख्श वर्मा जी भी आ गए, अब ताकत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इसलिए मैं आपसे विशेष अपील करने आया हूं, अभी कल दूसरे चरण का वोट पड़ने जा रहा है। पहले चरण का वोट आपको पता होगा, पहले चरण में जो वोट पड़ा है उसने बहुत सारे विरोधी लोगों की आंख खोल दी है। ऐसा वोट बढ़ता है पहले चरण में कि उसकी आवाज यहां तक पहुंची है
अभी तो दूसरे चरण में पड़ना है वोट, फिर तीसरे में और चौथे में कन्नौज के लोगों को भी वोट डालना है। ये कन्नौज वैसे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, कन्नौज के इतिहास बहुत पुराना है। कन्नौज का इतिहास अगर हम सम्राट हर्षवर्धन से जोड़ें तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना इसका इतिहास है। लेकिन इसका एक समाजवादी इतिहास भी है, और समाजवादी इतिहास ये है, यहीं के लोगों ने समाजवादी लोगों की समाजवादी पहचान बनाने का काम किया था, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रहे हों, जिन्हें की पहचान बनाने का काम और यहां की जनता ने जिनको चुन करके भेजा था लोकसभा में। ये समाजवादी पहचान भी है कन्नौज से। कन्नौज से बहुत पुराना रिश्ता है समाजवादियों का, और एक बार तो यहां की जनता ने और यहां के लोगों ने वो इतिहास बनाया जो कभी कभी इतिहास बनता है, जहां वोट ही नहीं पड़े और निर्विरोध जीत गई समाजवादी पार्टी। ये भी इतिहास कन्नौज का है। और बताओ शिवरामो व कन्नौज के लोग, जो समाजवादियों की सड़क बनी है वो है सड़क पे नहीं है उदाहरण देने वाली, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ये है उदाहरण के नहीं है? बताओ। अभी जीटी रोड नहीं बन पाई है वैसी, हालांकि जीटी रोड किस जमाने की है, जीटी रोड का भी बहुत वर्षों वर्षों का इतिहास है। आपकी एक्सप्रेसवे तो बन गई लेकिन जीटी रोड नहीं बन पाई। बताओ बीजेपी के लोगों ने जीटी रोड बनाई कि नहीं बनाई? और यहीं प्रधानमंत्री जी आए थे, आपको याद होगा, कन्नौज में यहीं प्रधानमंत्री जी आए थे, यहीं आए थे प्रधानमंत्री जी, और न जाने क्या क्या कह के चले गए थे कन्नौज में, न जाने क्या क्या वादे कर दिए थे, अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन के वादे किया, लेकिन अभी तक अच्छे दिन नहीं पता लग रहा कहां पर है अच्छे दिन। अरे कन्नौज वालों को बताओ वो एक्सप्रेस वे से पहुंच जाएंगे, कहां है अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं? अच्छे दिनों की चोरी हो गई, अच्छे दिनों की चोरी हुई। यही नौजवान जो नौकरी तलाश रहे हैं, रोजगार तलाश रहे हैं, नोटबंदी कर करके इनके नौकरी चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? कोई नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और हमारे किसानों की आय चोरी हो गई, उनकी खाद और यूरिया की बोरी में से 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई? आय दोगुनी करनी थी, आय दोगुनी करनी थी, डेढ़ गुना लाभ देना था लाभकारी। बताओ किसान भाई किसी को मिला हो तो बताएं? और आलू वाले बताओ, आलू बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? नोटबंदी के समय कोल्ड स्टोर से लेकर के हमारा सब किसान बर्बाद हो गया, कहीं कुछ मिला किसी को नोटबंदी के बाद? नहीं मिल पाया नोटबंदी के बाद। हमारे गुस्साईगंज और ये अनिल जानते होंगे, ये अनिल प्रजापति जी यार जी, ये जितने कारोबारी लोग हैं, बताओ जीएसटी से व्यापार को परेशानी पहुंची कि नहीं पहुंची? व्यापार बर्बाद हो गया और कोई कारोबार नया नहीं शुरू कर सकता है। हमें और आपको ये भरोसा दिलाया था कि नोटबंदी हो जाएगी तो पैसा वापस आ जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा,
काला धन वापस नहीं आया, जो हमारा आपका पैसा जमा था वो भी तमाम लोग पैसा लेकर के बाहर विदेश भाग गए। केवल चार पांच नहीं जिनके हम और आप नाम जानते हैं, 36,000 से ज्यादा उद्योगपति भारत छोड़ के गए हैं, वही पैसा जो बैंक में जमा था। अरे ये बात जान गए, देखिए ये बात अगर जान गए हो जो आप कह रहे हो, जो बात ये कह रहे हैं अगर जान गए हो तो बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे। जब ये बात जान गए हो तो चौकी 29 तारीख को आपको छीननी है। तो काला धन वापस नहीं आया, उद्योगपति भाग गए साहब। अगर देश के उद्योगपति चले जाएंगे, व्यापारी चले जाएंगे, तो कौन कारोबार करेगा, कौन नौकरी देगा? ये नौजवान जो दिखाई दे रहे हैं इनका कोई भविष्य नहीं है अगर बदलाव नहीं आएगा तो। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नया देश बनाएंगे, नया देश भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती है, नया देश महागठबंधन बनाने का काम करेगा, नया देश और नया प्रधानमंत्री बनेगा तो नया देश भी बनेगा। महागठबंधन नया प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, और जब देश का नया प्रधानमंत्री होगा तब नया देश बनेगा। इनको नौकरी चाहिए, और नौजवानों में कह के जा रहा हूं कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं तो, क्योंकि इनका रास्ता विकास का नहीं है। जो गांव में कभी कभी बीमारी हो जाती है जानवर को, जो जानवर को बीमारी हो जाती है गला घोटू बीमारी होती है कि नहीं होती गांव में, वही बीमारी है भारतीय जनता पार्टी को, काम रोकू बीमारी है, काम रोकू बीमारी। नौजवानों नौकरी दी, रोजगार दिए और रास्ता खोल दिया था नौकरी रोजगार का, और इतनी आसान पुलिस भर्ती कभी नहीं हुई होगी जो समाजवादियों ने की। अगर कोई यहां नया भर्ती वाला होगा मेरिट वाला तो देख लो, पूछ लो, ऐसी भर्ती का इंतजाम किया कि कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, 10वां 12वां पास करिए और दौड़ के दिखा दीजिए, जो आगे निकल जाएगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा। 70,000 भर्ती की थी, 70,000 दिल्ली में जाने दो महागठबंधन को, तो चाहे कोई भर्ती हो पुलिस की, पैरामिलिट्री की, आर्मी की, परीक्षा नहीं होगी, सीधा मेरिट होकर के भर्ती करने का काम करेंगे। और इसलिए भर्ती की जरूरी है क्योंकि नौजवानों को नौकरी और रोजगार चाहिए, ये रोजगार और नौकरी जल्दी देनी है इनको, इसलिए बहुत तेजी भर्ती इसी तरीके से हो सकती है। आखिरकार क्या रास्ता है जल्दी नौकरी देने का? यही रास्ता हो सकता है, इसलिए नौकरी का इंतजाम करना है, किसान की खुशहाली का इंतजाम होना है, और हमें समाजवादियों को कोई प्रमाण नहीं देना है कि काम कैसे होता है। ये भरोसा है कि काम होता है कि नहीं होता समाजवादियों में? अगर गांव में जाओ तो स्कूल के बच्चों को प्राइमरी के बच्चों को हमने दूध पिलाना शुरू कर दिया था हफ्ते में एक दिन। समाजवादी सरकार थी तो एक दिन फल मिलता था, एक दिन बच्चों को दूध मिलता था, और खाने का भी इंतजाम करने जा रहे थे अच्छा वाला, लेकिन फल भी छिन गए, दूध भी छिन गया, अब किसी प्राइमरी स्कूल में नहीं मिलता है। जो स्वेटर मिले वो भी फट गए, मोजे मिले पता ही नहीं लगा कहां चले गए, और जूते भी दिए भाजपा के लोगों ने, कोई सा नंबर किसी पहना दिया, किसी को कोई सा नंबर पहना दिया, एक ही को दो नंबर के जूते दे दिए, बताइए। ये जो एम्बुलेंस चल रही थी 102 108 ये बर्बाद हो गई कि नहीं बर्बाद हो गई? और पुलिस को समय पे पहुंच जाए, हमारे गरीबों की मदद कर दें, कोई तकलीफ में हो परेशानी में हो
तो वो कोई परेशानी में हो मदद करने के लिए पुलिस पहुंच जाती थी 100 नंबर। बताओ बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर खराब कर दी कि नहीं कर दी? 100 नंबर भी खराब हो गई, इनको भी वही पुरानी बीमारी लग गई। समाजवादी पेंशन छिन गई कि नहीं छिन गई? अभी तक तो 500 रुपए मिलते थे, आपकी सरकार बन जाती तो 1000 रुपए मिलता महिलाओं को। आने वाले समय में तय किया है कि नौकरी भी देंगे, इंतजाम करेंगे, और साथ ही साथ हमारी जो गांव की माताएं हैं, बहनें, गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उन्हें चाहे हमें 3000 रुपया महीना पेंशन देना पड़े तो देने का काम करेंगे। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। इसलिए काम में आपका मुकाबला नहीं है। कोई काम में मुकाबला कर सकता है बताओ? आपका कोई काम में मुकाबला नहीं है, काम में मुकाबला नहीं है। इसलिए हम आपसे सावधान करने आए हैं। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे सावधान? ये सुनाए हमने भारतीय जनता पार्टी के लोग मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे हैं गांव में जा जाके। गांव में कुछ कुछ समझा रहे हैं उन्हें। याद है आपको, याद है आपको क्या कहते थे आपके बारे में, आपकी सड़क के बारे में? ये बीजेपी के लोग कहते थे कि सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है। कहते थे कि नहीं कहते थे? और जब गाड़ी से उस सड़क पे चलते हैं और अपना शीशा बंद कर लेते हैं, एसी चला के चलते हैं, तो कहते हैं सड़क तो भाई समाजवादियों ने ही बनाई है, हम नहीं बना सकते ये सड़क। बताओ ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम तो कहते हैं बीजेपी के लोगों से, अगर इस सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है, तो सड़क एक्सप्रेसवे पे मत चलो, जीटी रोड पे चलो। और जीटी रोड पे नहीं चल सकते हो, जल्दी पहुंचना है तो गंगा में अपना पानी का जहाज ले आओ, गंगा से पहुंच जाओ जहां जाना हो तुम्हें। और बताओ कौन उंगली उठा रहा, कौन उंगली सड़क पे उठा रहा था? जिनकी ऑफिस में हिसाब किताब हो रहा था, बताओ हिसाब किताब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पैसे की गिनती का हिसाब किताब था इनकी ऑफिस में कि नहीं था? लखनऊ में पैसे का पत्रकार साथी जानते होंगे, रिकॉर्ड हो गए थे कि हिसाब किताब करने वाले जेल चले गए कि नहीं चले गए? लेकिन हिसाब किसके लिए कर रहे थे ये लोग? इस विधानसभा से तो मंत्री हैं कोई, कितना काम हो रहा है ये बताओ हमें। सुनाए सौरिक पे जो कट समाजवादियों ने बनाया था, जो कट बना था उसी पे नाम लिख दिया अपना कि हमारा कट बनवाया हुआ है। कौन मान लेगा बताओ कि कट इन्होंने बनाया है? ये छिबरा मऊ से सौरिक वाली 4 लेन सड़क बननी थी, यही एरवा कटरा चली जाती, 2 साल में केवल गिट्टी डाल पाए और पानी डाल पाए, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाए। अस्पताल बना, डॉक्टर गाइड है ही नहीं, दवाई नहीं, कोई जितने काम होने थे सब रुक गए। लोहिया आवाज जनेश्वर मिश्र ने जाने क्या क्या कर दिया। तो इसलिए बीजेपी के लोगों का मुद्दा हम वो भी जानते हैं, मुद्दा क्या है एक और मुद्दा बोलते हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिंपल यहां पर नहीं आती हैं, ये भी एक उनका मुद्दा है भाजपाइयों का। कम से कम डिंपल अपराधी नहीं है, वो दिलों में नफरत नहीं फैलाती हैं, किसी से झगड़ा नहीं कराती हैं, यही मुद्दा है। और जब एक्सप्रेसवे पे चलते हो तो कहते हो कि सड़क तो समाजवादियों की अच्छी है,
और हम उन बातों में नहीं जाना चाहते हैं जो बातें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं उनमें हम नहीं जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का न जाने क्या क्या चल रहा है, उन बातों में हम नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे विशेष निवेदन है हमें छिबरामऊ के सभी लोगों से कि काम तो समाजवादी लोग कहेंगे, खुशहाली के रास्ते पे जाएंगे, तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। और अगर किसी ने धोखा दिया है आपको हमको तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये जो महामिलावट बोल रहे हैं, जो महामिलावट बोल रहे हैं, अगर तीन दल वाला दल महामिलावट है तो 38 दलों वाली दल को क्या कहेंगे, कौन सी मिलावट बोलेंगे, ये बताइए हमें। ये गठबंधन दिलों का गठबंधन है, गरीबों का गठबंधन है, गांव में रहने वाले लोगों का गठबंधन है। अगर आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीते तो आज के बाद आपकी जिम्मेदारी है अपने लोगों को मनाने की। गांव गांव समझाइए, बैठाइए और सुनाए कि कोटेदारों के माध्यम से भी कुछ चाल बुनी जा रही है, चाल चली जा रही है। सुनने में आया कि कोटेदार भी अब वोट मांग रहे हैं, कुछ चाल चल रहे हैं। तो ये तो सब बातें पता लग गई, जो बातें पता लग गई फिर हम समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बूथ पर अपने गांव में मदद करोगे पार्टी के कि नहीं करोगे, बताइए। सब मिलकर के मदद करिए, ये चुनाव देश के भविष्य का है, आपके भविष्य का है, और चुनाव हम सबके भविष्य से जुड़ा हुआ चुनाव है। कोई नहीं सोचता था ये गठबंधन हो जाएगा, कोई नहीं सोचता था ये गठबंधन हो जाएगा। ये समाजवादियों ने और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के गठबंधन किया है, क्योंकि इसी से महापरिवर्तन आएगा, इसी से गरीब, इसी से किसान खुशहाल होगा, इसी से नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलने का काम होगा। ये तो बीजेपी वाले भी जानते हैं कि काम में मुकाबला नहीं कर सकते समाजवादी पार्टी का, क्योंकि पुल बनाने का काम कभी हुआ होगा तो समाजवादियों ने किया है। एम्बुलेंस 102-108 ये काम में नहीं लड़ेंगे आपसे। बताओ काम पे चर्चा कर रहे हैं वो लोग, केवल जातियों को लड़ाएंगे, धर्म को लड़ाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है सबको जोड़ने की, सबको साथ लेने की। बोलो सब लोग साथ लोगे और लोगों को क्या नहीं लोगे? और अभी तो शुरुआत है चुनाव की, 29 तारीख से पहले अभी ज्वाइंट रैली भी होनी है। आदरणीय मायावती जी भी आ रही हैं तिरवा, और फिर जब रैली हो जाएगी ज्वाइंट उसके बाद क्या बचा बताइए फिर आप। इसलिए बीजेपी से सावधान रहना, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं। पिछली बार साजिश की क्या नहीं की उन्होंने, इस बार सावधान रहना। और पहले वो चाय वाला बनकर के आए थे और इस बार वो चौकीदार बनकर के आए हैं, ये भी सावधान रहना। और चौकीदार चौकीदार कहते कहते हमारे किसानों को भी चौकीदार बना दिया खेत बचाने के लिए। कोई फसल की कीमत नहीं दे पाई ये, ना आलू ठीक कर पाए और ना ही किसी फसल को दे पाए, और खेत और बचाने पड़ रहे हमें और आपको अपने। और इस सड़क के किनारे मंडी इसीलिए बन रही थी कि कम से कम खुशहाली आए हमारे किसानों की, कोई सामान जल्दी पहुंच जाए बाजार, कोई सामान जल्दी पहुंच जाए। और हमारे व्यापारी भी जानते होंगे, चाहे वो छिबरामऊ के हों, गुरसाईगंज के हों, कन्नौज के हों,
अगर उन्हें व्यापार करने जाना पड़ता होगा तो बताओ दिल्ली या लखनऊ कितना आसान हो गया उनका जाना आना। आराम से जाते हैं आ जाते हैं, सामान पहुंचाना हो जल्दी गया आ गया, यही रास्ता है खुशहाली का। दुनिया जो आज आगे है, चाहे वो दुनिया के जो दूसरे मुल्क जो हमसे आगे हैं, उन्होंने ऐसी ही सड़कें बनाई, उन्होंने बिजली का इंतजाम किया, उन्होंने किसानों के देखभाली के लिए इंतजाम किया। और जब ऐसे बड़े काम होते हैं उसी के साथ किसान खुशहाल होता है, उसी के साथ नौकरी और रोजगार आते हैं। इसलिए समाजवादियों ने कुछ उदाहरण दिए काम करके, हम समाजवादी लोग और काम करना चाहते हैं। ये तो काम लखनऊ वाली सरकार के काम थे, अभी दिल्ली वाली सरकार के काम होने हैं। और इस बार तो पहले चरण से ही हवा चल रही है गठबंधन की, अभी बगल में जॉइंट रैली होने जा रही है मैनपुरी में, नेताजी के समर्थन में रैली होने जा रही है। और जो नेताजी का चुनाव है देश में जो सबसे बड़ी जीत होगी, उनमें नेताजी की भी जीत शामिल होगी, मैनपुरी की जीत शामिल होगी। मुझे लगता है देश में जो सबसे बड़ी जीत होगी, हो सकता है नेताजी की सबसे बड़ी जीत हो। तो जब मैनपुरी आगे जीत रहा है, इटावा भी जीत रहा है बहुत अच्छे वोट से, इन्हीं का बेटा लड़ रहा है कठेरिया जी का, प्रेमदास कठेरिया जी का, क्योंकि मैंने कहा कि भाई नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए इनके बेटे को भी टिकट मिला है। इन्हें फायदा ये हो जाएगा कि दो दो लोगों को पेंशन मिलेगी घर में, पिताजी भी एमपी रहे और बेटा भी एमपी हो जाएगा। और जो दूसरा कठेरिया साथी आया है वो तो पता नहीं क्या भूल गया कि किस रंग में आए हैं पता ही नहीं है। अभी उन्होंने तुम बार बार चौकीदार बोल रहे हो, वो बात तो जान गए चौकी छिन जाएगी, ये बात स्वीकार कर ली कि चौकी छिन जाएगी, चौकीदार के बारे में जान गए। लेकिन ठोकीदार के बारे में भी तो कुछ बताओ, ठोकीदार भी तो है उत्तर प्रदेश में। और देखो ठोकीदार से क्या क्या सीखा लोगों ने, उनकी ठोको नीति से क्या हुआ कि जनता पुलिस आपस में एक दूसरे को ठोक रहे हैं, पुलिस को यही नहीं पता है किसको ठोकना है, और जनता भी भूल जाती है तो पुलिस को ठोक देती है। उनके विधायक सांसद भी सीख गए एक दूसरे को ठोकना, वो टीवी पे देख रहा होगा किस तरीके से एक सांसद ने एक विधायक को 21 जूतों की सलामी दी। ये पत्रकार कहते हैं कि आप गलत बता रहे हो, वो 21 जूते नहीं थे वो 12 थे। हमने कहा अगर बीच बचाव ना किया होता किसी पत्रकार साथी ने तो सांसद जी ने विधायक जी को 21 जूतों की सलामी दी होती। इसलिए ठोको नीति वाले भी बैठे हैं, और उन ठोको नीति ने जब हमारा घर खाली हुआ था बताओ गंगा जल से धुलवाया था कि नहीं धुलवाया था, गंगा जल से धुलवाया उन्होंने घर। अगर हमारा गंगा जल से घर धुलवा सकते हैं तो बताओ और लोगों का क्या हाल होगा, इनके सामने सोचिए क्या हाल होगा। और बदनाम करने के लिए वैसे पत्रकार साथी कभी सुबह 8 बजे नहीं उठ सकते क्योंकि रात में देर तक काम करते हैं। सुबह 8 बजे बताइए प्रेस के लोग पहुंच गए घर में और रिकॉर्डिंग करने लगे और प्रचार करवाया कि हम टोटी ले गए हैं घर से, यही तो प्रचार कराया कि नहीं कराया। हमने भी तय कर लिया है कि सरकार बदले वही अधिकारी ढूंढेंगे जब तक कोई छिलम वहां न मिल जाए, ढूंढेंगे लगातार। इसलिए सोचिए देश के सामने कैसा खतरा है,
इसलिए भेदभाव की राजनीति करते हैं ये लोग, भेदभाव की राजनीति करते हैं। हम समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया होगा। अगर समाजवादी पेंशन मिली तो हर वर्ग के लोगों को पेंशन मिली होगी। अगर एम्बुलेंस मदद कर रही है तो हर वर्ग के लोगों को मदद कर रही है। और जो समाजवादी पेंशन पहुंची थी वो हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंची थी। कोई नहीं कह सकता कि भेदभाव किया था। लेकिन ये दूसरे तरह की राजनीति कर रहे होंगे बीजेपी वाले लोग। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है सभी को समझाने की, हर वर्ग के लोगों को समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि ये पीएचडी किए हुए हैं कि कैसे जातियों में लड़ाई करा दें। ये अंग्रेजों से सीखे हैं, बांटो राज करो। हो सकता है वो ये कहें कि सब आपका छीन लिया, सब आपका यादव लोगों ने छीन लिया, कहेंगे उन्होंने छीन लिया। तो हमने कहा है कि बताओ, आधार बनाने में आपको 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, जनगणना करने में 2,000 करोड़ खर्च करने पड़े। हम तो चाहते हैं कि हम सब गिन लिए जाएं, क्योंकि कभी कभी हमारे सपेरे लोग भी सोचते हैं कि हमारी कोई गिनती नहीं है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सांप छीने हैं, इनके पास केवल बीन बचा है और नाचने के अलावा और मांगने के अलावा कुछ नहीं बचा इनके पास। मैं सपेरे लोगों को बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, सरकार होती तो अभी तक घर बन गए होते सबके। ये दिल्ली की सरकार में जाने दीजिए समाजवादियों को, तो सरकार से हम देंगे आपको घर, और वही लोहियाबाद 3,05,000 का गरीबों को दिलाने का काम करेंगे। अभी तो घर 1,00,000 कुछ का मिलता है, उससे घर नहीं बन पाता भी पूरा। 3,05,000 से ज्यादा कीमत का घर देंगे, जिसमें सोलर पैनल होगा, लाइट होगी, पंखा होगा, और अपना मोबाइल चार्ज करना चाहोगे तो मोबाइल भी कर लेना, टीवी चलाना चाहोगे तो टीवी चला सकते हैं। और हमने उसकी शुरुआत की थी, वो कलाम साहब ने उद्घाटन किया था, वो गांव आपको पता होगा, जहां पर दो गांव हैं फकीरेपुरवार। वो आज भी जब से बनाया है 24 घंटे बिजली फ्री आती है, एक भी पैसा गरीब को नहीं देना पड़ता है। उनकी चक्की चल जाती है, ट्यूबवेल, खेत का पानी लग जाता है, और घर में बिजली आ रही है, कोई बिल नहीं देना पड़ रहा है। ये गांव में बिजली लगाई समाजवादियों ने, योजना शुरू की समाजवादियों ने, और ज्यादा बिल भेज रहे हैं बिजली के, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए गरीबों को सुविधा देनी है। और अपने हमने कहा है सपेरों के लिए हमें अगर अलग से भी गांव बसाना पड़ा, उसके लिए जगह निश्चित कर दी थी हमने छिवरामऊ में, कट पर आने वाले समय में, क्योंकि यही हमारे भारतीयों की पहचान है। अगर अंग्रेजों ने कभी हमें लिखा भारतीय लोगों को, तो ये कहा कि ये सपेरों का देश है। अभी जब अमेरिका के सबसे बड़े एक आए थे, सोशल मीडिया के एक अधिकारी ट्विटर के, वो ताज्जुब कर गए जब उन्होंने सपेरों को देखा, कहा कि बताओ भारत में अभी भी सपेरे रहते हैं। हमने कहा हाँ, हमारे भारत की जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है वो आज भी वैसी की वैसी जिंदा है, उसको कोई खत्म नहीं कर पाया है। लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था इन सपेरों को, सुप्रीम कोर्ट से छिन गए इनके सांप, इन्हें सम्मान नहीं मिला है। इनको पेंशन हम लोग दे रहे थे, घर मिल जाते। हम कहना चाहते हैं चाहे आबादी में कम हो, लेकिन इन्हें पेंशन और इनके आवाज देने का काम सरकार से करेंगे। अगर नहीं सरकार से भी कर पाए, तो आने वाले समय में इसी एक्सप्रेसवे के पास एक सपेरों का गांव बनाने का काम समाजवादी और हम लोग करेंगे, क्योंकि इनकी संस्कृति खो जाएगी वरना, क्योंकि बेचारों के पास खेत नहीं है, मांग करके खा रहे हैं, बीन बजा करके खा रहे हैं। और ये जो धुन निकालते हैं कभी कभी, कोई नहीं निकाल सकता वो धुन, केवल यही सपेरे निकाल सकते हैं। ये अलग बात है कि अभी निकालें तो न जाने कितने सांप आ जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सावधान रहो, समाजवादी पार्टी को सपेरों का भी समर्थन है, और गिनती में कम हो,
इसी दिल्ली तरह पाल समाज के लोग सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं, लेकिन हमें हक सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारे प्रजापति समाज के लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं, लेकिन हमें हक नहीं मिल रहा। इसी तरह कुर्मी समाज है, इसी तरह लोधी समाज है, और लोधी समाज तो रामबक्ष वर्मा जी जानते होंगे, वो ये सोचते हैं कि हम तो यादव से ज्यादा हैं, लेकिन हमें हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारे कटिहार समाज के लोग हैं, इसी तरह वाल्मीकि समाज के हैं, इसी तरह और समाज के लोग हैं भारत में, ये सोचते हैं कि हम आबादी में तो ज्यादा हैं, चाहे वो विश्वकर्मा समाज हो, चाहे हमारे व्यापारी समाज के लोग हों, वो ये सोचते हैं कि हम आबादी में तो ज्यादा हैं, लेकिन हम हक सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारा कोई हक सम्मान छीने ले रहा है। इसलिए हम सबको बताना चाहते हैं, देश तभी बदलेगा जब हमारी आपकी गिनती हो जाए और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये बीजेपी वाले कभी हक और सम्मान नहीं देंगे। ये अंग्रेजों से सीखे, बांटो और राज करो। हो सकता है हमें और आपको भी वैसे ही बांटे और राज करने का रास्ता निकाल रहे हों। इसलिए हर वादा इन्होंने वादा अलग किया और धोखा दिया हमें। बताओ, 5 साल के कार्यकाल में कोई काम हुआ हो तो बताइए। ये जो शौचालय बनाए हैं, ये जो गांव गांव शौचालय खड़े कर दिए इन्होंने, कांग्रेस पार्टी बनाती थी 1 गड्ढे का शौचालय, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी बना रही 2 गड्ढे का शौचालय, और न कांग्रेस ने पानी दिया था शौचालय में, और न भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है शौचालय में पानी। दिल्ली में जाने दो समाजवादियों को, हम जहां पढ़ाएंगे लिखाएंगे संपन्न बनाएंगे, वहीं कम से कम ये इंतजाम करेंगे कि जो 3 लाख से ज्यादा का आवास है उतना 3 लाख से ज्यादा पैसा मिल जाए, घर भी बन जाए, और आपका कम से कम अच्छा शौचालय मिल जाए जिसमें पानी का इंतजाम तो हो। तो बताओ, दुनिया कहां पहुंच गई? दुनिया मोबाइल से चल रही और शौचालय में पानी नहीं। लोग मोबाइल से सामान मंगा ले रहे हैं। बताओ, सामान आ जाता है कि नहीं आता है मोबाइल से? अगर कोई गलत बोलता है, आप मोबाइल से पता कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो कि गड़बड़ हो रहा है? अब तो मोबाइल भी बीजेपी के खिलाफ है कि नहीं है, बताओ। तो इसलिए इन्हें सबक सिखाना है इस चुनाव में, और ये चुनाव डिंपल का जरूर है, ये डिंपल का चुनाव जरूर है, लेकिन कन्नौज पर नजर सबकी होगी। जब से हम समाजवादियों ने बाबा जी को हराया है, बताओ हराया कि नहीं हराया समाजवादियों गठबंधन ने, नजर यही होगी कन्नौज में। हमें भरोसा आप पर है, सब पर, और खासकर छिमरामऊ की जनता पर। बताओ, सबसे ज्यादा वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ऐतिहासिक वोटों से जिताना, ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे और अपने गांव में खुद संभालोगे चीजें कि नहीं संभालोगे? दूसरे लोगों को मनाओगे कि नहीं मनाओगे? और अगर आपने मना लिया और अगर आपने सम्मान दे दिया, तो सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो डिंपल की होगी, और अगर डिंपल की जीत सबसे बड़ी होगी तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा, ये बताओ पहले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके भी सपने मार रहे हैं, क्योंकि हम और आप भी तो वही उम्र के हैं जो सपना देख रहे हैं कि कम से कम कुछ भविष्य बेहतर हो। इन नौजवानों का भविष्य खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज सपने भी नहीं देख सकते नौजवान, ये हालत पैदा कर दी है। इसलिए अगर चाहते हो कि एक्सप्रेस वे जैसा विकास हो, तो समाजवादियों की मदद करना और तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आप सब मिलकर के अच्छे वोटों से जिताओगे। मैं आदरणीय रामबक्ष वर्मा जी का, उनके बेटे आलोक जी का और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये ढपली वाला है, बताओ सरकार का गुस्सा इस कर्मचारी पे निकलता है? बीजेपी के लोगों को पता लग गया कि ये ढपली वाला कभी समाजवादी गाना गाया था,
तो इसको सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया। समाजवादी सरकार आई, बहाल कर दिया। बीजेपी वालों ने फिर पहचान लिया, फिर सस्पेंड हो गया। समाजवादी लोग आएंगे, फिर इसको बहाल कर देंगे और इसकी ढपली नहीं रोक सकते। ढपली ऐसे ही बजेगी, जब समाजवादी गाना गाता है वैसे ही गाना गाता रहेगा। बहुत बहुत बधाई आपको। और हमने रामेश्वर वर्मा जी को अपने साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया है, जिससे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की है, उसमें हमारे साथ हैं आदरणीय रामेश्वर वर्मा जी, और उनके बेटे को हमने प्रदेश में आदरणीय नरेश उत्तम जी के साथ किया है, आदरणीय राम नंदिनी वर्मा जी, उनका भी सहयोग मिलेगा तो बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं भी जुड़ेंगी और हम उनका भी सम्मान आने वाले समय में संगठन में कैसे कर सकते करेंगे, उनका भी समय समय पर हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे, यही उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप सब लोग मिलकर के अपने गांव में समझाओगे, अपने बूथ पर सबको मनाओगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे। और ये मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और जो कभी कभी किसी के माध्यम से गुमराह करेंगे, गुमराह मत होना और सब लोग वोट डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो नफरत फैलाई है, जो नफरत की दीवार खड़ी की है, उस नफरत की दीवार को गिराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और उनका भी साथ और सहयोग मिलने से आज जो बदलाव दिखाई दे रहा है आपके सामने है।